Hello students, welcome back. This is the video of class 10 biology, and in this video we are going to start the chapter 2, which is control and coordination. And today's topic is control and coordination in plants. So first of all, we will talk about the control and coordination in plants. So if you see the plant, also the plants do not have sense organ, and still they can sense the things and respond to them. And plants respond to things like gravity, touch, water, etc. These are the environmental stimuli for a plant. Plants coordinate their behavior by using their hormones and respond to the environment changes. As you know, the plants do not have any particular system just like the animals. Like you know that plants have the nervous system which control and coordinate the body of any animals. But plants do not have that nervous system. They have the hormones. By the use of hormones, they respond to the environmental changes. And this they do by affecting the growth of a plant. The change in their body part occur by the growth of the plant. So the change, the response of the plant towards the stimuli of the environment is due to the change and due to the growth. ठीक है, जो भी changes वो respond करते हैं, changes के environmental change के according जो भी वो respond करते हैं, वो response growth पे depend करता है. ठीक है, they respond on the basis of their growth. Therefore plant use only hormones to coordinate their behavior, and they respond to the stimuli very slowly. Their response to the stimuli are very slow. बहुत slow response होता है, क्योंकि उनके पास हमारे जैसा quick nervous system नहीं होता है. ठीक है, तो जो भी hormones उनके पास होते हैं, they use to control and coordinate their growth and their body parts. एंड जो प्लांट हार्मोन्स को हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स. द हार्मोन्स ऑफ प्लांट्स आर नोन एज फाइटो हार्मोन्स. प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे हम. प्लांट हार्मोन क्या करते हैं, दे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द सिस्टम इन प्लांट्स, एंड दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट इन वन और द अदर आस्पेक्ट. ठीक है, वो प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, एंड दैट्स हाउ दे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द प्लांट्स. द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट इज डिवाइडेड इन थ्री स्टेजेस. तीन तरीके से प्लांट्स की ग्रोथ होती है, सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन. सो अ प्लांट हार्मोन नॉट ओनली कंट्रोल दीज स्टेजेस ऑफ अ प्लांट ग्रोथ, बट ऑल्सो प्रमोशन ऑफ ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी, फॉलिंग ऑफ लीव्स, फ्रूट ग्रोथ, रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स, एजिंग ऑफ प्लांट्स. प्लांट जो है वो इन सारे स्टेजेस को प्लांट हार्मोन जो है वो इन सारे स्टेजेस को कंट्रोल करता है, एज वेल एज ये डॉर्मेंसी को ब्रेक करने में भी हेल्प करता है, फॉलिंग ऑफ लीव्स को भी ये कंट्रोल करता है, फ्रूट ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है, रैपनिंग ऑफ फ्रूट, एजिंग ऑफ प्लांट. तो प्लांट में जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय द फाइटो हार्मोन्स. नाउ देयर आर फोर टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. दीज आर ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन एंड एब्सिसिक एसिड. While auxin, gibberellin and cytokinin promote the growth, they are the growth promoter, and abscisic acid is prevent or hamper the growth of the plant, they are the growth inhibitor. ठीक है, auxin, gibberellin और cytokinin को हम growth promoter बोलते हैं, क्योंकि ये growth को promote करते हैं. एब्सिसिक एसिड जो होता है वो inhibitor होता है, growth inhibitor, क्योंकि ये growth को रोकता है. ठीक है, स्टॉप करता है. एंड चारों को हम ग्रोथ रेगुलेटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं. दैट्स व्हाई दीज फोर फाइटो हार्मोन्स आर कॉल्ड एज ग्रोथ रेगुलेटर्स. नाउ वन बाय वन वी विल टॉक अबाउट द ईच हार्मोन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द ऑक्सिन. ऑक्सिन हार्मोन कंट्रोल्स अ प्लांट रिस्पॉन्स टू लाइट एंड ग्रेविटी. लाइट एंड ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में ऑक्सिन हार्मोन जो है प्लांट की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है. इट इज़ मेड बाय द सेल प्रेजेंट एट द टिप ऑफ स्टेम एंड रूट.
स्टेम और रूट के टिप पर जो सेल्स होती हैं वो इस हार्मोन को प्रोड्यूस करती हैं। दिस हार्मोन मूव द प्लांट अवे फ्रॉम लाइट एंड टूवर्ड्स ग्रेविटी। ये हार्मोन जो होता है वो प्लांट के पार्ट को लाइट से दूर और ग्रेविटी के नज़दीक लेकर नज़दीक ग्रो करने में हेल्प करता है। इट स्पीड अप द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ रूट। ऑक्सीजन जो है स्टेम की ग्रोथ को स्पीड अप कर सकता है और रूट की ग्रोथ को इनहिबिट स्लो डाउन कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेंडिंग ऑफ प्लांट स्टेम और शूट टूवर्ड लाइट बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन। ऑक्सीजन हार्मोन कैसे किसी प्लांट के स्टेम को लाइट की तरफ बेंड करने में हेल्प करता है। देखिए जब लाइट ऊपर से पड़ रही होती है तो ऑक्सीजन जो होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो स्टेम एक ही तरफ सीधा खड़ा होता है। ठीक है, मान लीजिए सन इधर आ गया तो जो ऑक्सीजन होता है उसके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो अपोजिट टू द लाइट, ठीक है, जिधर से लाइट आ रही होती है वो उसके अपोजिट वाले शेड वाले एरिया में कंसंट्रेट हो जाता है। ठीक है, तो शेडी एरिया में चला जाता है ऑक्सीजन। मान लीजिए लाइट इधर से आ रही है तो ऑक्सीजन कलेक्ट हो गया किधर, शेडी साइड अवे फ्रॉम द लाइट, ठीक है, ए साइड में आ गया। तो इससे ये ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ पे सेल की इलोंगेशन कर देता है। जहाँ पे प्रेजेंट होगा ऑक्सीजन वहाँ पे क्या होगा, सेल्स इलोंगेट करेंगी, बढ़ेंगी साइज में। ठीक है, तो इधर की सेल्स क्या होने लगती हैं, ग्रो फास्टर एंड इलोंगेट, और इधर तो बढ़ ही नहीं रही हैं, तो इस वजह से इधर बढ़ने की वजह से क्या होगा कि ये स्टेम जो होगी वो लाइट की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। दिस साइड ग्रो स्लोली टूवर्ड्स द लाइट। सो दैट्स हाउ यू कैन सी द ऑक्सीजन, हाउ द ऑक्सीजन कॉज बेंडिंग ऑफ स्टेम टूवर्ड्स द लाइट। ऑक्सीजन प्रमोट सेल एनलार्जमेंट, सेल डिफरेंशिएशन एंड फ्रूट ग्रोथ। नाउ आई विल टॉक अबाउट द जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन एंड प्रमोट सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। इट ऑल्सो प्रमोट्स फ्रूट ग्रोथ, इलोंगेशन ऑफ शूट एंड इन ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी इन द सीड एंड बड। ये फ्रूट के ग्रोथ में भी हेल्प करता है। आप देखते होंगे छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट के साइज़ बहुत छोटे छोटे होते हैं, उस पर आप जिब्रेलिन की को स्प्रे कर दीजिए, आप देखेंगे कि जो साइज़ ऑफ फ्रूट है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मार्केट में आप देखते हैं बहुत बड़े बड़े फ्रूट आपको मिलते हैं, तो उसमें आर्टिफिशियली जिब्रेलिन स्प्रेड कर दिया जाता है और आर्टिफिशियली फ्रूट की साइज़ को बढ़ा दिया जाता है। शूट इलोंगेशन स्टेम की लंबाई बढ़ाने में भी हेल्प करता है। सीड में जो डॉर्मेंसी होती है उसको ब्रेक करने में हेल्प करता है, और बड की भी डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी का मतलब होता है इनएक्टिव कंडीशन। ठीक है, सीड्स इनएक्टिव कंडीशन में होती हैं तो वो उसमें जर्मिनेशन नहीं होता है, तो जिब्रेलिन क्या करता है, डॉर्मेंसी को ख़त्म कर देता है, तो सीड में जर्मिनेशन होने लगती है। नाउ विल टॉक अबाउट द साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन स्पेशली दिस इज़ फॉर सेल डिविज़न। ये प्लांट में सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, सीड की एंड बड की डॉर्मेंसी को भी ये ब्रेक करता है। दे ऑल्सो डिले एजिंग इन लीव्स एंड प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। एक और काम ये करता है, स्टोमेटा को ओपन करने, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को भी ये रेगुलेट करता है। ठीक है, स्टोमेटा को ओपन करने का भी काम करता है और एजिंग को रोकने का भी काम करता है। एब्सिसिक एसिड, ये ग्रोथ इनहिबिटर होता है। ये दिस हार्मोन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। देयरफॉर एब्सिसिक एसिड प्रमोट डॉर्मेंसी इन द सीड एंड बड्स। ये डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है। ठीक है, ये अगर प्रेजेंट है तो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, इनएक्टिव फेज में रहेगा। इट प्रमोट्स क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा को बंद करने में ये हेल्प करता है। विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव, जो पेड़ से पत्तियाँ गिरती हैं उसको ये रेगुलेट एंड कंट्रोल करता है। डिटैचमेंट ऑफ रूट, पेड़ से फल जो गिरते हैं डिटैचमेंट होता है वो भी इसको कंट्रोल करता है। फ्लावर फ्रॉम द प्लांट, जो फ्लावर प्लांट से फॉल डाउन होते हैं आफ्टर सर्टेन टाइम, तो उसको भी ये एब्सिसिक एसिड क्या करता है, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। नाउ वील टॉक अबाउट द प्लांट मूवमेंट। प्लांट में मूवमेंट होती है या नहीं होती है, डू यू नो प्लांट्स कैन मूव, दे शो द मूवमेंट। ठीक है, बट द मूवमेंट इन द प्लांट्स इज डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल। ठीक है, प्लांट में भी मूवमेंट होती है लेकिन ये एनिमल के मूवमेंट से डिफरेंट होती है, क्योंकि प्लांट्स क्या होते हैं, फिक्स्ड एट वन प्लेस, एक जगह फिक्स्ड होते हैं, तो हमारे जैसा उनके अंदर फिजिकल मूवमेंट नहीं हो सकता। दे कैन नॉट फिजिकली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर,
बट प्लांट स्टिल शो मूवमेंट, लेकिन फिर भी वो मूवमेंट शो कर सकते हैं बाय यूजिंग हार्मोन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टिमुलाई. अपने हार्मोन्स की हेल्प से वो मूव कर सकते हैं. दिस मूवमेंट इज नोटिस्ड इन द अनइक्वल ग्रोथ ऑफ द टू रीजन्स ऑफ अ प्लांट. ठीक है, ये मूवमेंट आपको कैसे नोटिस कर सकते हैं, अनइक्वल ग्रोथ ऑफ द टू रीजन ऑफ द प्लांट. ठीक है, दो प्लांट के दो रीजन में जो अनइक्वल ग्रोथ होती है वो क्या है, मूवमेंट ऑफ द प्लांट. उसको आप मूवमेंट ऑफ प्लांट के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं. जैसे आपने ऑक्सिन वाला एग्जांपल अभी पढ़ा था. ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन स्पीड अप द ग्रोथ ऑफ स्टेम. सो इफ़ वन साइड ऑफ स्टेम हैज़ मोर ऑक्सिन हार्मोन दैन द अदर, देन द साइड ऑफ द स्टेम विच हैज़ मोर हार्मोन विल बेंड. दिस शोज द मोमेंट ऑफ प्लांट. ठीक है, यहाँ पे अभी आपने देखा तो ऑक्सीजन जिधर ज़्यादा होगा उधर ज़्यादा इलोंगेशन एंड डेवलपमेंट होगी, और क्या होगा उसकी वजह से क्या होगा, स्टेम इस तरफ से ग्रो करेगी और बेंड हो जाएगी. जिधर कम होगी वहाँ पे इलोंगेशन नहीं होगा, और जिधर पे ज़्यादा कंसनट्रेशन होगा ऑक्सीजन का उधर सेल्स इलोंगेट करेंगी, एनलार्ज होंगी, और इस तरीके से मूवमेंट आपको दिखाई देगी, मूवमेंट ऑफ दैट पार्ट ऑफ द प्लांट टूवर्ड द लाइट. क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन के अंदर टेंडेंसी होती है कि वो अवे फ्रॉम द लाइट, लाइट से दूर जाता है. इधर से अगर लाइट आ रही है तो वो दूसरी साइड में ज़्यादा प्रेजेंट होगा, वो दूसरी तरफ कंसनट्रेटेड हो जाता है. प्लांट मूवमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई और ऑफ टू टाइप्स. प्लांट्स मूव करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से. ठीक है, और इसके अगर एक्सटर्नल स्टिमुलाई के को देखें तो मूवमेंट जो होती है प्लांट में दो तरीके की होती है, एक ट्रॉपिज्म और एक नास्टीज. एक को बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरे को बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट. तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे ट्रॉपिज्म. ठीक है, ट्रॉपिज्म क्या है, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ इट इज़ कॉल्ड ट्रॉपिज्म. जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई उसके डायरेक्शन जो है वो डिसाइड करता है कि प्लांट जो है वो किस तरफ ग्रो करेगा. ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिज्म. दस द ट्रॉपिज्म इज़ द डायरेक्शनल ग्रोथ मोमेंट. ठीक है, इसमें डायरेक्शन होता है जिस तरह स्टिमुलाई, और वो डायरेक्शन जो है स्टिमुलाई के ऊपर बेस करता है, और जिधर से स्टिमुलाई आती है तो उस स्टिमुलाई के डायरेक्शन में या अपोजिट टू द स्टिमुलाई. ठीक है, ग्रोथ होती है और इसी को बोलते हैं ट्रॉपिज्म. तो ट्रॉपिज्म क्या है, डायरेक्शनल ग्रोथ मोमेंट है प्लांट की. इट कैन बी इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस. ठीक है, या तो ये ग्रोथ ऑफ प्लांट जो है वो स्टिमुलस की तरफ भी हो सकती है, टूवर्ड्स भी हो सकती है, या अवे दूर भी, अपोजिट भी हो सकती है. देयरफॉर इफ द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट इज इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव ट्रॉपिज्म. अगर जिधर से स्टिमुलस आ रहा है उसी डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही है तो उसको हम पॉजिटिव ट्रॉपिज्म बोलेंगे. एंड इफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन और अवे फ्रॉम दैट ऑफ स्टिमुलस देन इट इज विल बी कॉल्ड एज निगेटिव ट्रॉपिज्म. नाउ विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म. टाइप्स आर, देर आर फाइव स्टिमुलाई इन द एनवायरमेंट. दे आर light, gravity, chemical, water and touch. On the basis of these stimuli there are five types of tropism, five types of tropic movement. What are these? These are phototropism, geotropism, chemotropism, hydrotropism and thigmotropism. Stimuli ke basis par यहाँ पर tropism differentiate किया गया है. Phototropism में stimuli क्या होती है, light. ठीक है, photo means light. जियो में स्टिमुलाई क्या होता है, ग्रेविटी. कीमो में यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा केमिकल स्टिमुलाई क्या होता है, केमिकल. हाइड्रो मीन्स वाटर, यहाँ पे स्टिमुलाई क्या है, वाटर. एंड थिग्मो मीन्स होता है टच, तो यहाँ पे स्टिमुलाई क्या है, टच. सो ऑन द बेसिस ऑफ द स्टिमुलाई द ट्रॉपिज्म आर ऑफ फाइव टाइप्स. सो वन बाई वन वी विल डिस्कस अबाउट देम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट द फोटोट्रॉपिज्म. फोटोट्रॉपिज्म में क्या होता है, प्लांट्स पार्ट ऑफ द प्लांट मूव्स इन रिस्पॉन्स टू द लाइट, लाइट के रिस्पॉन्स में मूव करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म. ठीक है, इफ द स्टेम ऑफ अ ग्रोइंग प्लांट मूव्स और बेंड टूवर्ड द लाइट इट इज़ पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म. एंड इफ द रूट ऑफ अ प्लांट मूव्स अवे फ्रॉम द लाइट दिस इज निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म. अगर फोटो के लाइट के तरफ मूवमेंट हो रही है, उसके डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, तो अब वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म हो जाएगा. अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है तो निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म हो जाएगा.
जियोट्रॉपिज्म, यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, ग्रेविटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल रूट ऑफ अ प्लांट मूव्स अ डाउनवर्ड डायरेक्शन सो दे शो द पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। आप देखते हैं रूट्स जो होती है वो नीचे की तरफ ग्रेविटी की तरफ मूव करती है, तो वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है। रूट स्टेम हमेशा क्या होती है, अपोजिट टू द ग्रेविटी मूव करती है, तो वो क्या हो गई, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म हो गया, कीमोट्रॉपिज्म। व्हेन अ प्लांट पार्ट मूव्स इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलस इट इज़ कॉल्ड कीमोट्रॉपिज्म, ठीक है। हियर द स्टिमुलस इज केमिकल, जैसे ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब टूवर्ड द ओव्यूल ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। यहाँ पे पॉलन ट्यूब का जो जर्मिनेशन होता है इन रिस्पॉन्स टू द केमिकल सिक्रेटेड बाई द ओव्यूल, सो ये केमिकल ट्रॉपिज्म हो गया। हाइड्रोट्रॉपिज्म का मतलब व्हेन अ प्लांट पार्ट मूव्स इन रिस्पॉन्स टू वाटर इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म। यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, वाटर है। जैसे आप जानते हैं जो रूट ऑफ द प्लांट्स होती हैं दे मूव टुवर्ड द वाटर एंड दे शो द पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म को आप ऐसे बता सकते हैं कि इट शो द डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू टच, ठीक है। इसमें स्टिमुलाई क्या है, टच। फॉर एग्जाम्पल टेंड्रिल ऑफ द प्लांट क्लाइम टुवर्ड द एनी सपोर्ट विच दे टच, जैसे आप देखते होंगे जो क्रीपिंग प्लांट्स होते हैं उसमें टेंड्रिल्स होते हैं, तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को वो टच करते हैं उसी के ऊपर वो रैप कर लेते हैं ना, तो वो जो मूवमेंट है वो कैसी है, इन रिस्पॉन्स टू द टच, तो इसको आप बोलेंगे थिग्मोट्रॉपिज्म। दिस इज द डायग्राम विच इज़ शोइंग द फोटोट्रॉपिज्म। यहाँ पर आप फोटोट्रॉपिज्म देख सकते हैं, ये जो प्लांट है, प्लांट यहाँ पे सन जो है, सनलाइट जो है वो इवनली इसके ऊपर स्प्रेड हो रही है, तो इसकी ग्रोथ जो हो रही है वो इस तरीके से सीधे हो रही है, सिंपल हो रही है, स्ट्रेट टुवर्ड्स द लाइट, ठीक है। एंड रूट्स ग्रोथ स्ट्रेट डाउनवर्ड, तो ये देखिए लाइट की तरफ इसकी मूवमेंट हो रही है फोटोट्रॉपिज्म, रूट जो हो रहा है वो नीचे की तरफ अवे फ्रॉम द सन लाइट हो रहा है, तो ये निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म है। यहाँ पे देखिए एक रूम में प्लांट को रख दिया गया है जिसमें से एक डायरेक्शन से क्या आ रही है, लाइट आ रही है, बाकी तरफ अंधेरा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये प्लांट जो है वो लाइट की तरफ, प्लांट की जो स्टेम है वो लाइट की तरफ बेंड हो रही है, तो ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है इन स्टेम। और ये रूट देखिए, रूट बेंड्स अवे फ्रॉम द लाइट, तो ये क्या है, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। दिस डायग्राम इज शोइंग द जियोट्रॉपिज्म, ये क्या है, आपको जियोट्रॉपिज्म यहाँ पे आपको देख सकते हैं, जियोट्रॉपिज्म यहाँ पे देखिए एक पॉटेड प्लांट है, उसमें आप देख रहे हैं रूट जो है ग्रेविटी की तरफ नीचे की तरफ मूव करे, स्टेम जो है ऊपर की तरफ, ठीक है। इसको आप प्रूव कैसे कर सकते हैं, पॉट को आप क्या कर दीजिए इस तरीके से अपसाइड, इसको आप बेंड लिटा दीजिए, ठीक है, इस तरीके से ज़मीन में, तो आप देखेंगे कुछ दिन के बाद उसको हॉरिजेंटली आपने रख दिया ऑन इट साइड, और कुछ दिन के बाद देखेंगे आप कि इस हॉरिजेंटली रखे हुए प्लांट में आप देखेंगे रूट जो है नीचे की ओर जा रही है और स्टेम जो है वो ऊपर की ओर, तो रूट जो है वो ग्रेविटी की ओर ग्रो कर रहा है, तो ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है, ठीक है। और स्टेम देखिए ऊपर की तरफ एंटी ग्रेविटी मूव करने लगा अपवर्ड, तो ये निगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि इस तरीके से रूट और इस तरीके से रूट और इस तरीके से स्टेम मूव करने लगी, ऐसा नहीं हुआ। आप देख रहे हैं कि इसको हॉरिजॉन्टली रखने के बावजूद भी रूट नीचे की तरफ जाने लगी और स्टेम ऊपर की तरफ, तो ये शो कर रहा है मूवमेंट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी। यहाँ पे आप ये डायग्राम में आप कीमोट्रॉपिज्म देख सकते हैं, कीमोट्रॉपिज्म मतलब कि ग्रोथ इन मूवमेंट ऑफ द प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू द केमिकल, ठीक है। यहाँ पे देखिए पोलन ग्रेन जब भी किसी स्टिग्मा पर आता है, स्टिग्मा पर, तो इसमें जो जर्मिनेशन होती है वो एक डायरेक्शन में होती है, किस डायरेक्शन में होती है, ओव्यूल के डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो ओव्यूल होता है वो एक केमिकल सिक्रेट करता है, उस केमिकल के रिस्पॉन्स में ये जो मूवमेंट हो रही है, जो ग्रोथ हो रही है पोलन ट्यूब में, वो उसके पॉजिटिव साइड में हो रही है, तो ये आपको यहाँ पे पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म दिख रहा है, ठीक है। केमिकल्स के रिस्पॉन्स में उसके डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, तो ये केमिकल यहाँ पे स्टिमुलाई क्या, केमिकल सिक्रेटेड बाय द ओव्यूल, एंड उस केमिकल की वजह से ये पॉलन ग्रेन क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है और इसमें मूवमेंट शो हो रही है।
दिस इज़ द डायग्राम शोइंग हाइड्रोट्रॉपिज्म। यहाँ पे आप हाइड्रोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल देख सकते हैं। हाइड्रोट्रॉपिज्म में स्टिमुलाई क्या होता है? वाटर। इसमें देखिए दो पॉट लिए गए हैं, उसमें आपने सीड एक बेबी प्लांट ग्रो करवाया है, और इसमें आप देखिए जो रूट है वो स्ट्रेट ग्रो कर रही है, ठीक है, मॉइस्ट सॉइल है। और दूसरा आपने एक पॉट लिया, उसमें सॉइल कैसी आपने रखी है? ड्राई सॉइल रखी है, ठीक है। और उसमें एक जगह पे आपने एक एक कंटेनर रख लिया, क्ले पॉट रख दिया, और उसके अंदर आपने पानी रख दिया, और ये सारा सब कुछ ड्राई है। तो आप देखेंगे कि जो रूट की ग्रोथ है वो किधर है? एंड टूवर्ड्स द वाटर, ठीक है, वाटर की तरफ ये ग्रो कर रहा है क्योंकि इसको पानी चाहिए। तो ये पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिज्म शो कर रहा है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है। रूट्स आर ग्रोइंग टूवर्ड्स द वाटर। सो यहाँ पे स्टिमुलाई क्या है? वाटर, और ये वाटर की तरफ मूव कर रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर, सो इट इज़ द पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। और स्टेम जो होती है इट मूव्स अवे फ्रॉम वाटर, सो स्टेम्स शो द नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। हेयर यू कैन सी द थिग्मोट्रॉपिज्म। ये डायग्राम में आप थिग्मोट्रॉपिज्म देख सकते हैं, और थिग्मोट्रॉपिज्म में स्टिमुलाई क्या होता है? टच, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये एक वीक प्लांट है जिसको सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बैम्बू स्टिक लगा दी गई सपोर्ट के लिए। तो जब ये इसके कांटेक्ट में आया, टच में आया, तो इसकी ट्रेंडल ने इसको क्या कर, देखिए इसको वाइंड अप कर लिया, है ना। तो जहाँ जिधर से सपोर्ट मिल रहा था उधर ही स्टेम की जो ट्रेंडल है वो ग्रो करने लगी, मूवमेंट शो करने लगी। तो इसको आप बोलेंगे पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म, ठीक है। ये दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ थिग्मोट्रॉपिज्म इन रिस्पॉन्स टू द टच। द मूवमेंट है, जो मूवमेंट है वो टच के रिस्पॉन्स में हो रही है, और ये कैसे हो रही है? ऑन द बाय द ग्रोथ, ग्रोथ हो रही है प्लांट्स में, और उस वजह से आपको मूवमेंट पता चल रही है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट द नास्टिक मूवमेंट। सो टिल देन थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, हैव अ